सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। सी बाय प्रोफेशन आई एम ए ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर। एट द सेम टाइम आई कॉल माई सेम एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाइल डूइंग दिस प्रोग्राम। एंड ये प्रोग्राम करने का मकसद है इंफॉर्मेशन ऑन केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री आप लोग का सामने लाना, क्या हो रहा क्या होने वाला है, ताकि इस इंडस्ट्री का साथ जुड़ा हुआ जितना केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड ऑपरेटर है वो बिजनेस का बारे में सोच सके, बिजनेस का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट या फ्यूचर प्रोसीडिंग्स समझ करके अपना बिजनेस का पॉलिसी ले सके। देखिए मैं पहले से आप लोग को बोला हूँ, दो तीन लास्ट प्रोग्राम में मैं बता रहा था कि अगर बिजनेस करना है, नेक्स्ट फेज में अगर बिजनेस करके जाना है तो बिजनेस जो डॉक्यूमेंट है एज ए ऑपरेटर, बिजनेस जो डॉक्यूमेंट सच एज PNT पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स, GST, IT फाइल्स, ये सब आपको अप टू डेट रखने पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जिस हिसाब से जा रहा है आगे दिन में ये सब डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि दिस बिजनेस इज ऑलरेडी अंडर द स्कैनर ऑफ TRAI एंड MIB। तो इसी के चलते आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम न्यूज़ देने के लिए मैं आज आप लोग का सामने हूँ। देखिए अगला DSPF का तरफ से जो ट्राई का या मिनिस्ट्री का साथ मीटिंग किया गया है उसमें बार बार हम लोग बात करके बताए थे कि अपना डॉक्यूमेंट जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट उसको सही रखिए, क्योंकि आगे दिन में ये आपका बिजनेस का काम में लगेगा। इसी का बीच में अगला 19 जनवरी 2024 को एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक एडवाइजरी नोट निकला हुआ है। वो नोट का जो डिटेल है आप लोग का ये नीचे मैं दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, DSPF डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया अगला MIB का ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग किया था उसमें PNT रजिस्ट्रेशन के लिए ऑपरेटर को क्या क्या तकलीफ होता है वो हम लोग उनके सामने रखे थे, क्योंकि रिन्यूअल में बहुत सारा डिफिकल्टीज ऑपरेटर को मिल रहा तो उसको हल करने के लिए हम लोग बताए थे, तो मिनिस्ट्री ने बताया था उसको देखेंगे और आगे दिन में ऐसा सिचुएशन हो रहा है चांसेस है कि केबल ऑपरेटर का जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो एक लाइसेंसिंग फॉर्मेट में MIB का तरफ से होगा, तो वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। उसी का बीच में ये एडवाइजरी नोट निकाला गया है MIB का तरफ से। अब MIB का तरफ से जो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी नोट जो निकाला हुआ है उसमें देखिए दो नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर लिखा है, वो जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का जो सेक्शन 3 है उसमें बोला गया है कि हर केबल ऑपरेटर को अगर केबल TV बिजनेस करना है तो उसको PNT रजिस्ट्रेशन करके ही वो अपना बिजनेस कर सकता है, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो अभी इसमें बोला गया है अगर केबल लास्ट माइल ऑपरेटर मतलब LCO लास्ट माइल केबल ऑपरेटर अगर बिजनेस करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेके तभी बिजनेस कर सकता है। उसके बाद चार नंबर पॉइंट में लिखा गया है वो जो एडवाइजरी नोट जो बताया है, केबल ऑपरेटर का जो रजिस्ट्रेशन है उसी रजिस्ट्रेशन का हिसाब से ही MSO का साथ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट वो कर सकता है, वो भी वैलिड होना जरूरी है, मतलब वो रिन्यूअल कंडीशन में रहना जरूरी है। अगर उसका कोई एक्सपायरी हो गया वो रिन्यू हुआ नहीं तो उसके लिए भी एडवाइजरी नोट में बोला गया है MSO लोग को, कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट लेके कोई इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट होगा नहीं। अगर LCO का साथ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट करना है तो LCO का वैलिड PNT रजिस्ट्रेशन लेकर के ही वो इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट साइन करने पड़ेगा। दूसरा पॉइंट नंबर फाइव में बोला गया है हेड पोस्ट ऑफिस को भी डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि DSPF का तरफ से ये
ऑब्जेक्शन किया गया था कि रिन्यूअल का समय एज पर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट में जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल होता है उसका बाद में भी और कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा था रिन्यूअल के लिए, तो इसमें ऑपरेटर को तकलीफ हो रहा था। इसीलिए वो एडवाइजरी नोट में एमआई का तरफ से हेड पोस्ट ऑफिस को भी एक डायरेक्शन दिया गया है, वहाँ पे बोला गया है द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में जो जो डॉक्यूमेंट लेकर के पीएनटी रजिस्ट्रेशन देना या रिन्यूअल करना है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मांग करके वही डॉक्यूमेंट का हिसाब से लास्ट माइल केबल ऑपरेटर को रजिस्टर दिया जाए, ये क्लियर कट दिया हुआ है। और ये एडवाइजरी नोट हर पोस्ट ऑफिस में एमआईबी का तरफ से चला गया। सेकेंडली वो हर केबल ऑपरेटर एमएसओ का पास भी उसका इंफॉर्मेशन जा रहा। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमआईबी रेगुलेटर ट्राई हर कोई अभी इस इंडस्ट्री को एक फॉर्मेशन दे करके आगे बढ़ाने का कोशिश में है, क्योंकि आप लोग को सबको पता है केबल टीवी का एक नया रूल आने वाला है द ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। ये ड्राफ्ट कॉपी ऑलरेडी फ्लोट किया गया है, इसका जो भी कमेंट बोलिए जो मिलने के बाद ये अभी नेक्स्ट फेज में रूल होकर के या एक्ट होकर निकालने वाला है। उसी का पहले हर साइड से हर जगह से ये जो रूल है ये जो फॉर्मेट है ये जो रेगुलेशन है इसको प्रॉपर हिसाब से मान के चलने पड़ेगा। इसको लेकर के गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है। तो मेरा तरफ से एंड ऑन बिहाफ ऑफ डीएसपीएफ हर केबल ऑपरेटर को मैं बोलूँगा बिजनेस का प्रॉपर सिस्टम में चलाने के लिए पहला ज़रूरत पड़ता है बिजनेस डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट वो रेडी करना तैयार रखना और टाइम टू टाइम उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको करके रखना जरूरी है। तो आगे दिन में जिस हिसाब से बिजनेस जा रहा है तो मैं आप लोग को सबको दोबारा और एक बार ये पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग का सामने रख करके आप लोग को बता रहा हूँ। काइंडली ऑल केबल ऑपरेटर्स आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ठीक रखिए, क्योंकि ये चाहे आप गांव में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या टाउन में हो या चाहे शहर में हो कहीं भी रहो बिजनेस अगर करना है तो आपका बिजनेस फॉर्मेट मान के चलने पड़ेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करके प्रॉपर रख करके आपको काम करने पड़ेगा। आगे दिन में कोई भी ऑपरेटर बोलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलिए आपको सपोर्ट या प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू वांट टू डू योर बिजनेस इन द केबल वाला का तरफ से एंड डीएसपीएफ का तरफ से। इंडिया का हर केबल ऑपरेटर का पास और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा बिजनेस अगर करना है बिजनेस अगर आगे लेके जाना है तो आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट सही कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर आगे दिन में आप अपना बिजनेस लेके चल पाओगे। विद दिस आई क्लोज माय शो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट्स या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए ताकि हर ऑपरेटर के पास ये मैसेज पहुँचे और अपना अपना बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए बिजनेस डॉक्यूमेंट रेडी करें। विद दिस आई क्लोज माय शो, थैंक यू वेरी मच।